आज हम बैठे हैं काजगंज दंगे में अपनी जान गंवा चुके चंदन गुप्ता के परिवार के साथ। आइए उनसे बात करते हैं कि तिरंगा यात्रा के लिए जो उन्होंने अनुमति मांगी है उसकी आगे क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपने तिरंगा यात्रा की जो अनुमति मांगी है किससे मांगी है? यहाँ प्रशासन से और शासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अवगत कराया गया है। अब अगर प्रशासन दे देता है अनुमति तो निकालेंगे, नहीं देता है कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो चंदन की याद में हमने तिरंगा लगा रखा है 50 फुट का, वरना उसको फहराएंगे। और अपने देश में ही हम अगर तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहाँ निकालेंगे? आप माँ हैं, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि प्रशासन तिरंगा यात्रा की अनुमति नहीं दे रहा है और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी? पहले भी नहीं देता तो चंदन जाता ही क्यों? मेरा बेटा गया है, मैं तो घर घर जा कर के तिरंगा ओढ़ के जाऊंगी, है ना। और मुसलमानों के यहाँ पे खास करके किलो मुझे भी मार दो गोली। और वहाँ पे जो मुनाजिर रफी है, कौन है, उसने यात्रा रुकवाई थी। और अपने कासगंज से निकलने के लिए और बच्चों को अनुमति लेनी पड़ती तो पुलिस नहीं देख रही थी कि बच्चे इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, तो इसके साथ हमें चलना चाहिए। क्या आप क्या मांग कर रहे हैं आप योगी से? हमारे चैनल टीवी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से? चंदन का नाम रहना चाहिए कासगंज से, कभी चंदन का नाम नहीं हटना चाहिए। और उसके लिए चंदन चौक, मूर्ति वगैरह जो भी बनवा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी करें और तिरंगा यात्रा निकालें। नहीं निकालेंगे तो कोशिश करेंगे हम लेडीजें जाएंगे, हमारे साथ की हैं, हमारे साथ जाएंगी हर मामले। मतलब प्रशासन अगर अनुमति नहीं देता इसके बाद भी आप जाऊंगी? अगर तिरंगा यात्रा की बात है तो मैं जाऊंगी और कहूंगी मैं आ गई, लो मुझे भी मार दो बस। हर स्कूल से तिरंगा हटा दे, क्यों फहराते हैं खड़े होकर के तिरंगा को, क्यों सलूट करते हैं सब लोग? मुझे भी ऐसी मालूम होती तो मैं भी अपने बच्चे को नहीं भेजती तिरंगा यात्रा में। चंदन गुप्ता का जो परिवार है उनके माता पिता हमारे साथ हैं, बहुत सदमे में हैं कि कासगंज में तिरंगा यात्रा की जो परमिशन जो उन्होंने मांगी है प्रशासन से वो उनको नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इनको परमिशन दे पाता है या नहीं। कासगंज से ईटीवी न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत शर्मा।